तो दोस्तों यहाँ देखो तगड़ा टूट, तो सब जाला लगा दी है मकड़ी। सबको दिखाई कुर्सी में बहुत सारा मिट्टी लगा था। लाओ। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो भैया दीदी हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। सभी भाई बहन को नवरात्रि का ढेर सारा शुभकामनाएं। माता रानी आपको हमेशा खुश रखें। तो लास्ट तक आप सब वीडियो देखना दोस्तों, आपको अच्छा लगेगा। नमस्ते कर लो सब। नमस्ते। तो चलते हैं ब्लॉगिंग करना शुरू करते हैं। आज कुछ अलग काम है दोस्तों आज, और आगे दिखाते हैं आप सबको। तो दोस्तों यहाँ देखो तगड़ा टूट, तो तकत को बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि गर्मी अधिक होने लगी है, और यहाँ तो अब यहीं पे रहेगा, तो सब सोएंगे घर साइड। चलिए खाओ, फोन रखते हैं, सुविधा इसी तरह चार्जिंग का है। तो सारा बोर्ड निकालते हैं, धूल मिट्टी इस समय मनाई हो रहा है तो सब जम जा रहा है कुर्सी पे। सब बहुत गर्दा हो गया है, बोर्ड को ब्रश से अभी सफा देंगे, साफ कर देंगे, और बाकी ये कुर्सी ले चलते हैं, धुलते हैं। इसी कुर्सी पे रहता है चार्जर। देखिए धूल मिट्टी इस समय सब जम गया, तो इसको हम साफ कर लेंगे। सब इधर लाकर रख दी, आज सारा सामान इधर उधर बिखर गया है। तो दोस्तों यहाँ पर गुंजन का, शीतल का, अंजलि का चारपाई हो गया, और यहीं पे रहेंगे हम, इस साइड रहेंगे चंदन यहाँ पर, तो कुछ हवा लगेगा। कल अंदर बहुत गर्मी लगी, तो नहा लिए हैं, कपड़ा भी धुल दी, यहाँ कपड़ा धुल के रखे हैं, अभी फैलाना है। आज मच्छरदानी भी धुल दी सारा, तब बाल्टी ले चलते हैं अंदर, वॉशरूम में रखते हैं, तो बाथरूम में रखते हैं। बाल्टी टप, तो यहाँ पर टप और बाल्टी नल के पास रख दी। दिखाओ, तो हमारे गेंदा का फूल देखिए कुछ इस तरह फुलाया हुआ है। तो यहाँ पर कपड़ा ले चलते हैं पीछे, तो हमें वजन तो नहीं उठाना चाहिए लेकिन मजदूरी में उठाना पड़ता है। तकली उठा दी, चारपाई उठाई, तो यहाँ पर कपड़े फैला देते हैं। आज आसमान बहुत साफ है, थोड़ा हल्का बदली छाया हुआ। कल तो ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाला। तो यहाँ पर सभी कपड़े फैला रहे हैं, इसी तरह सभी कपड़े फैला देते हैं, फिर आगे का सूट करेंगे। तो दोस्तों उधर साइड का कपड़ा सारा देखिए इधर फैला दी हूँ, यहाँ पर पूरा कपड़ा फैला चुकी हूँ। मच्छरदानी थोड़ा साइड में कर दी हूँ, हल्का है मच्छरदानी, वैसे सूख गया है, अभी इसको बांध देना है डंडे में। मच्छर बहुत लग रहे हैं हमारे यहाँ इस समय। तो निरमा बाल्टी सब ले चलते हैं अंदर, ब्रश शैम्पू, तो यहाँ पर सारा सामान उठा ली हूँ। तो अभी आप सबको दिखाई थी कुर्सी में बहुत सारा मिट्टी लगा था, तो इसीलिए धोना पड़ा। यहाँ पर धुल गई, अंजलि बैठ गई है नहाने, तो यहाँ पर कुर्सी धोकर रख दी। तो दोस्तों ये तीन चारपाई का मच्छरदानी का डंडा है, और आप सबके वहाँ किस तरह लगता है शहर में हमें तो नहीं पता है, लेकिन हमारे गांव में देखिए मच्छरदानी का इसी तरह डंडा लगाते हैं चारपाई पे, और इतना सारा काम रहता है, और चारों ये चार चार है पूरा। तो खोल के रख दी हूँ, अभी मच्छरदानी सूख रहा है,
और सब आज कपड़ा सब रखेंगे सेट करके, धूल मिट्टी सब। तो गांव में गेहूं की मड़ाई हो रहा कहीं उधर कहीं उधर, तो बहुत अभी एक हफ्ता यही हाल चलेगा। बिस्तरा में सब जगह लगेगा, तो चलते हैं ये बिस्तरा फोल्ड करके सही से रख देते हैं। कल से अपना गुंजन शीतल सब रखेंगी, आज हटाना था तो नहीं रख पाई। तो दाल चावल पक गया है और यहाँ पर चलते हैं चाय बनाते हैं। अब सारा काम आज सुबह का दूसरा, तो आज सुबह का काम चारपाई सब निकालने में इधर उधर करने में लग गई। तो यहाँ पर चलते हैं दूध डालते हैं, चीनी चाय पत्ती डाल दी है। आज हमारे घर अदरक ही खत्म हो गया, बनेगा बैगन और टमाटर का भरता, तो यहाँ पर भून लिए हैं। तो पहले चलते हैं चाय पीते हैं नाश्ता। और अभी बैगन भूनी है तो गैस गंदा हो गया, सब भून भून के उसी पे रख दी। तो यहाँ पर यह है जरकुस, इलायची का स्वाद इसका आता है। आप सब इसका नाम कई भाई बहन जानते होंगे, तो इलायची की तरह ही महकता है। तो अदरक नहीं है तो यही डालेंगे आज जरकुस। अंजलि बोल रही है लवकुस, मेरे साथ नहाई, सब लोग नहा लिए हैं, शीतल नहीं नहाई थी, अभी नहाएगी। तो यहाँ पर चाय बन गया है, चांदनी वीडियो बना रहे हैं, चंदन गए हैं कहीं काम करने। तो यहाँ पर चाय को छान रहे हैं, मक्खियाँ देखिए, आप सब भी देखकर हैरान होंगे। ठंडी में नहीं दिख रही थी लेकिन इस समय दिखेंगी इसी तरह। तो यहाँ सबको चाय दे देते हैं, पी रहे हैं, तो सबको चाय दे दी। अभी चंदन आएंगे फिर पियेंगे। नमकीन आया था आज, रस नहीं आया, ये लो। रख देते हैं थोड़ा चंदन के लिए और अभी शीतल। बहुत अच्छा है आज चाय, बहुत अच्छा बना है। तो गुंजन रोटी बना रही है, चलते हैं गेहूं को फैलाते हैं। कल जो धुली थी अभी सूखा नहीं है सही से, और जब तक गेहूं सूखेगा नहीं तब तक आटा भी अच्छे से नहीं बनेगा। तो यहाँ पर गेहूं को जमीन पे डाल दे रहे हैं, शाम तक ये सूख जाएगा। पर डाल दी हूँ, फैला देते हैं, फर्क इतना है अभी यहाँ छांव हो जाएगा। तो यहाँ पर गेहूँ फैला देते हैं, तो छत पे ले जाने पे इधर उधर ले जाओ गांव में, फिर धोवाई करके ले जाओ, फिर धोवाई करके लाओ, तो बड़ा ताम झाम हो जाता है। तो इसीलिए आज यहीं पे फर्श पे ही डाल दी। मैं यहाँ पर गेहूं को फैला दी हूँ, फर्क इतना है, कपड़ा फैलाई हूँ, तो अभी कपड़ा को बटोर देंगे। तो यहाँ गेहूं को फैला दिए, तो यहाँ पर सारा कपड़ा निकाल रही हूँ, रखना है सब, तो ला ला कर रख रहे हैं। तो गेहूं की कटाई रखने में सब में लगी थी दौड़ भाग में, बाकी दोस्तों कपड़ा सब इसलिए नहीं रख पाई, दो चार दिन हमें टाइम नहीं मिला, धुले तो सब अर्धन पे डाल दी। तो इसी तरह जितना कपड़ा दिख रहा है सब उठा लाते हैं, फिर दिखाते हैं। रोटी बना रहे हैं, कोना पर हम यहाँ पे इस तरह बना के रखे हैं रोटी, और यहाँ पे तावे में छोड़ने जा रहे हैं रोटी। तो दोस्तों यहाँ पर सारा कपड़ा रख दी हूँ, उतना कपड़ा धुलना है, सब धूल मिट्टी भरा हुआ है, डिब्बे पे भी धूल मिट्टी आ गया है, तो डिब्बा बाद में धुलेंगे, धूप हो गया है। तो यहाँ पर ले चलते हैं हम सब अपना, रखते हैं सारा कपड़ा डिब्बा। तो इतना काम पूरा की, तो दोस्तों सारा काम निपटा के 12 बज गया है दिन का। तो यहाँ पर खाना खाने बैठ गई हूँ, 12 बजे ही खाती हूँ। तो खाने में बना है टमाटर और बैंगन का चटनी है, यहाँ दाल चावल रोटी खा रहे हैं। अंजलि वहाँ खिलौना में लगी हैं अपने, खाना खाई अंजलि।
यहाँ पर कटोरी दो, एक अच्छा, बड़ा है एक छोटा। कटोरी दिखा रही है, तो हम खाना खा लेते हैं फिर आगे क्लिप में मिलते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ़ करना। कल वाले कमेंट में हमारी एक बहन बोली थी कि YouTube की तरफ से मैं मेल की थी, तो बताते हैं बच्चों को दिखाने से कमेंट बॉक्स बंद होता है, तो हो सकता है हमें नहीं पता है। और मैं इस क्लिप में हंस इसलिए रही हूँ कि अंजलि का अलग ही कुछ गाना चालू है, रो रही है, शीतल और अंजलि में लड़ाई हो गया। तो इसी तरह अपना साथ सपोर्ट बनाए रखना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्ते, नमस्ते अंजलि, अंजलि नमस्ते। तो आज आप सबसे नमस्ते नहीं बोलेगी।